हाय प्रीलिम्स 2020 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं सम ऑफ़ यू हैव डन सो वेल आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस गिव मी अ डेज टाइम आई गेट बैक टू ऑल ऑफ यू मेंस के लिए अब हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है 2013 से लेके 2019 तक जनरल स्टडीज़ के जितने भी सवाल आए हैं हम हर एक सवाल को बहुत डिटेल में अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे आई शेयर ऑल माई स्ट्रैटेजीज एंड लर्निंग्स विद यू सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया लिस्ट में रोल नंबर नहीं है सी रिकवर एज सुन एज पॉसिबल यू नो लाखों लोगों ने एग्जाम लिखा हंड्रेड रैंडम क्वेस्स थे और उस हंड्रेड रैंडम क्वेश्चन से दस हजार लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया है मेन्स में दिस इज अ वेरी स्टूपिड एग्जाम बहुत रैंडमनेस होती है यहाँ पे एंड ये एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करता है अंडरस्टैंड दिस थिंग रिकवर एज सुन एज पॉसिबल सी कहना आसान होता है आई एव ग थ्रू दिस आई अंडरस्टैंड इट दो हज़ार बारह का टाइम था धौला कुआ बेस हॉस्पिटल में शाम का टाइम था आई वॉज प्रेम फॉर अ मेरेकल नहीं हुआ दो हजार तेरह में सिविल सर्विसेज स्टार्ट हो गया थर्ड साइकिल था एस ए भी बहुत अच्छा लिखा था जी एस भी बहुत अच्छा था ऑप्शनल भी ओके ओके लिखा था विनय मित्तल साहब ने वेल्डन कहा था इंटरव्यू में बट जब लिस्ट में देखा तो फिर से नाम नहीं आया आई मिस डिड बाय नैरू मार्जिन सो आई अंडरस्टैंड बट द पॉइंट इज यू हैव टू रिकवर रिकवर एज सुन एज पॉसिबल सी वाई एम सीइंग दिस बिकॉज सी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन का यू आर गोइंग टू राइट प्रिलम्स ऑल राइट अब ही चल रहा है अक्टूबर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर अगर मूड ऑफ करके ये टाइम हमने लूज किया तो नोटिफिकेशन आएगा फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और जो 2021 का रिलिम्स होगा ना मोर और लेस आप सेम मिस्टेक्स फिर से रिपीट करोगे बिकॉज आपको रिकवर करने का रेक्टिफाई करने का टाइम नहीं मिला तो यूटिलाइज दिस टाइम आज ही से एक वन वीक्स ब्रेक और नवंबर, दिसंबर जैन फेब, मार्च स्टडी और ये रिफ्लेक्ट होगा आपके फिर देखना दो के रिजल्ट में ट्रस्ट दिस प्रोसेस ऑल सो so, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है रिकवर एज सुन एज पॉसिबल और ये बहुत ही स्टूपिड सा एग्जाम है तो इस एग्जाम को ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए ऑल राइट सो लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग जब आप थोड़े और बड़े होगे ना यू वुड रियलाइज जब पीछे मुड़ के देखोगे लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग इन सम ऑफ योर ग्रेटेस्ट पेन्स बिकम योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ डे इज ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी आर्टिकल्स कल के आंसर हैं अली आई लिग ये डांस है असम का वृष व्रिश भवती वृषा भवती बैंगलुरु जो है वो इस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को बोलते हैं मुद्दू मलाई नेशनल पार्क लोकेटेड है तमिलनाडु में हेलो फाइट्स हेलो फाइट्स मतलब सॉल्ट हेलोफाइट्स फाइट्स मतलब सेलाइन वाटर एंटीबायोटिक्स जो होता है वो फंगस से आता है सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन आज के सवाल हैं कुंबी डांस कुंबी डांस कुंबी डांस इज अ ट्राइबल फोक डांस ऑफ विच स्टेट किस राज्य में कुंबी डांस होता है एक्सरसाइज गरुड़ जो है ये इंडिया और विच अदर कंट्री के साथ कंडक्ट होती है वॉज द चाइनीज पिलग्रम बहुत सारे चाइनीज विजिटर्स इंडिया में आए हैं हु वॉज दिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड स्लेव डायनेस्ट फाउंडेड बाय फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी ओडिशा में वर्ल्ड फेमस कोनार्क सन टेम्पल है वॉज बिल्ट बाय हु टेलीग्राफ लाइन बी लेड फर्स्ट इन इंडिया टेलीग्राफ हुआ था एटीन फिफ्टी सेवन बैटल जीतने में टेलीग्राफ का बहुत बड़ा हाथ है दिस ब्रिटिशर्स का तो ये जो टेलीग्राफ लाइन थी बी लेड फर्स्ट इन इंडिया वेर जगह का नाम बताइए दीज आर सिक्स फॉर टूडे आज हम पढ़ेंगे हाउस पैनल मल्स एक्शन अगेंस्ट अमेजॉन सेकेंड इज पाकिस्तान टू तो स्टे इन एफ ए टी एफ ग्रे लिस्ट टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थर्ड है गवर्नमेंट ने स्लैप कर दिया है स्टॉक लिमिट्स ऑन अन अनियन वाई दिस एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट देन फोर्थ इज अबाउट दिस डबल बर्निंग एंड बायो बायोडिक फिफ्थ में जो नेपाल इंडिया नेपाल रिलेशनशिप है इसमें नेपाल मैप से लेके अभी सोफन हो गया है नेपाल का स्टैंड विल है लुक ऑन दिस नेपाल दिस एंटायर मैप जो नेपाल ने यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश किया था दिस बाउंड्री को देन सिक्स इज वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय 2022 ये सेंट्रल विस्टा रिवैम्प है पार्लियामेंट सेंटर्स दिस इज एडिटोरियल इंडियान जर्नी फ्रॉम आउट लायर टू दाई टेबल एक जनवरी 2021 से दो साल का टर्म स्टार्ट हो रहा है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का हैदराबाद फ्लड्स हम रिविजिट करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज हुए हैं फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का हाईएस्ट है दिस इज रिकॉर्ड हाई दीज आर सर्टेन न्यूज रिगार्डिंग आई और फ्लैश फ्लड से रिलेटेड अभी ये नया सिस्टम क्या लॉन्च हुआ है

प्रोटेक्ट करना था पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस एज ऑफ डिजिटल डिजिटल एज अब इस बिल में क्या लिखा था द होल थिंग इज कि हम जो भी ऑनलाइन काम करते हैं ना हमारा एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है डिजिटल फुटप्रिंट होता है डिजिटल प्रोफाइल होता है और इसमें डेटा प्राइवेसी होना जरूरी है डेटा कमर्शियल यूज के लिए भी मिस होता है सो देर हैजू बी सर्टन लॉज डेटा प्रोटेक्शन बिल को अगर हम डी करें तो इसमें कंज्यूमर के लिए क्या लिखा था कंज्यूमर के लिए था कि डेटा कैन बी प्रोसेस जो आपका डेटा है वो प्रोसेस होगा शेयर्ड होगा बाय एनी एंटिटी ओनली आफ्टर कंसेंट आपसे डेटा लिया गया है तो योर कंसेंट इज नेसेसरी डेटा सेफ होगा पेनल्टीज होंगी मिस होने पर पर्सनल डेटा के ऑल डेटा जो है वो कैटेगराइज होगा तीन हेड्स में जनरल सेंसिटिव या क्रिटिकल कैटेगरी ऑफ डेटा होगा सो दिस इज़ वॉट इट मीनस फॉर कंज्यूमर्स डेटा प्रोटेक्शन बिल गवर्नमेंट और रेगुलेटरी रोल के लिए गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर होगा ऑप्टेन कर सकता है एनी यूजर नॉन पर्सनल डेटा फ्रॉम कंपनीज आप किसी कंपनी का एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट उस एप से नॉन पर्सनल डेटा ले सकता है नॉन पर्सनल डेटा मतलब जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आसपास का ट्रैफिक क्या है वेदर क्या है टेम्परेचर क्या है दीस थिंग ये नॉन पर्सनल डेटा है बिल मैंडेट करेगा ऑल फाइनेंशियल एंड क्रिटिकल डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड इन डेट इंडिया डेटा जो होता है ना ये डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है और वो डेटा सेंटर्स इंडिया में स्टोर करने हैं फाइनेंशियल जो रिलेटेड क्रिटिकल डेटा है सेंसिटिव डेटा होगा वो स्टोर होगा इंडिया में बट कैन बी प्रोसेस्ड आउटसाइड विद कंसेंट ये सेंसिटिव डेटा का प्रोविजन है तो दिस इज फॉर गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडी कंपनीज के लिए क्या है सोशल मीडिया जो फॉर्म हैं वो फॉर्मुलेट करेंगी वॉलेंटरी वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर यूजर्स बिकॉज यूजर्स ना आजकल बॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं एक्चुअल यूजर नहीं है वो कोई कंप्यूटर है बॉट्स हैं वो सारे शेयरिंग डेटा विदाउट कंसेंट होगा तो फाइन लग सकता है फिफ्टीन करोड़ और फोर परसेंट ऑफ ग्लोबल टर्न ओवर डेटा ब्रीच हुआ तो इनक्शन होगा तो अगेन पेनल्टी के प्रोविजन है तो डेटा प्रोटेक्शन बिल में कंज्यूमर्स गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी और कंपनीज ये सब डिटेल्ड प्रोविजन है प्राइवेसी लॉ इन द मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो होगा वो न्यू शू टाइट इन द बिगनिंग बट कंफर्टेबल इवेंशुअली हो जाएगा सब उसके यूज हो जाएंगे सो ऐसा इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन्स दिए डेटा प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब ये जो न्यूज है दिस न्यूज़ इज अबाउट दिस अमेजोन फ्लिपकार्ट और दिस सोशल मीडिया सोशल मीडिया जो बहुत सारी कंपनीज भी हैं ई कॉमर्स के कंपनीज़ हैं फॉर एग्जाम्पल अभी एक नया ट्रेंड चालू हो रहा है आप एक माइक सर्च करो गूगल में सर्च करो फिर आप अमेजॉन खोलो फ्लिपकार्ट खोलो हर जगह आपको इस माइक का एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं ये मेरे साथ हो रहा है तो दिस हैपन्स डेटा का कमर्शियल यूज हो रहा है वो भी नॉन कंसेंट है दिस इज द प्रॉब्लम डेटा लोकलाइजेशन की डिबेट है तो ये जो पूरा डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना इसको अभी हाउस पैनल पार्लियामेंट का डिस्कस कर रहा है एग्जामिन कर रहा है जो ये बिल आया था इसमें अब इन्होंने बुलाया इन ऑफिशियल्स को ऑफिशियल्स को बुलाया कंपनीज के कि डेटा लोकलाइजेशन में आप क्या काम कर रहे हो लॉ एनफोर्समेंट एक्सेस डेटा इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र जो होता है ना जैसे इंडिया में ऑपरेट कर रही है कंपनी उसका डेटा सेंटर है ऐसे यूरोप में तो डेटा अचीव रिसीव करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल फिर बात करनी पड़ेगी तो म्यूचुअल लजिस्लेशन आएगा ये प्रोसेस बहुत टीडियस हो जाती है कम्बरजम हो जाती है दैट इज़ बाय हम डेटा सेंटर्स लोकलाइज करने की बात कर रहे हैं जो डेटा जनरेट हुआ है वो स्टोर भी इंडिया में होगा चाइनीज़ फॉर्म्स जो हैं इसमें इनका भी थोड़ा रेपुटेशन नोटोरियस है डेटा दिस यूज में सो वी आर वर्किंग ऑन दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कोविड नाइन्टीन पोस्ट कोविड नाइन्टीन वर्ड इज डिजिटल वर्ड सो वर्क ऑन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन है स्ट्रॉग डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डिजिटल वेलबींग ऑफ सिटीजन इन इंडिया यहाँ शब्दों पे ध्यान देना है जब भी प्रश्न पढ़ते हैं ना पे अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड हर किसी का सिग्निफिकेंस होता है यहाँ लिखा है वेलबींग well वेलबिंग well मतलब एक बहुत ब्रॉडर टर्म होता है वेलबींग well मतलब दिस हेल्थ भी हो जाता है इमोशनल दिस फाइनेंशियल एवरीथिंग वेलबींग ऑफ सिटीजन इन इंडिया और उसमें हमें बताना है स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लॉज में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है सो आंसर दिस क्वेश्चन दोज आर राइटिंग मीन्स दिस ईयर अब से आप टाइप मत करो आप केवल दिस पेन एंड पेपर से करो जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए अदरवाइज यू वुड बी नोइंग सो मैनी थिंग्स बट आप उसको क्विकली पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे पेपर में रिप्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट और वो इफेक्टिव भी होना चाहिए प्लीजिंग होना चाहिए ऐसा जंक नहीं दिखना चाहिए आपकी जो कॉपी आप सबमिट करते हो ना दैट शुड बी नीट एंड क्लीन ठीक दिखनी चाहिए ऐसा जंक रैंडमाइज्ड नहीं होना चाहिए अदरवाइज अच्छी चीज़ भी होती है उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा एग्जामिनर का सो वर्क ऑन दिस थिंग इज वेल दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन राइटिंग इज ओके ओके दैट इज ऑल राइट बट नीट होना चाहिए नीट मतलब साफ होना चाहिए पढ़ने में आना चाहिए तो वर्क ऑन दिस सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड जो है आर्टिकल दैट इज अबाउट पाकिस्तान टू स्टे ऑन एफ ए टी एफ ग्रे लिस्ट कल हमने एडिटोरियल में पाकिस्तान के इश्यूज देखे थे यहाँ पे चार ये कंटेस्टिंग पावर्स हो जाती है पाकिस्तान अभी एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एफ ए टी एफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रेंच नेम है नाइनटीन एटी नाइन में बनी थी जी सेवन का इनिशिएटिव था पर्पज था मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना दो हजार एक से इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग भी आ गया टेररिज्म फाइनेंसिंग आया तो पाकिस्तान इसकी रडार में आ जाएगा पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है थर्टी नाइन मेम्बर कंट्रीज हैं ये रेगुलरली रिव्यू करते हैं कंडक्ट ऑफ नेशन टॉप करना है टेरर रिलेटेड ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड सो पाकिस्तान अभी एफ ए टी एफ की रडार में है एफ़ रिव्यू करता है कंट्रीज़ को क्लियरेंस देता है और उनको कैटेगरी में रखता है से ग्रे लिस्ट में है या फिर ब्लैक लिस्ट में है एट प्रेजेंट ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है 18 कंट्रीज़ हैं ये इंक्लूडिंग पाकिस्तान सीरिया यमन आइसलैंड जमाइका मॉरिशस इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है मनी ट्रेल को ये फॉलो करते हैं कंट्रीज़ को अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं टेक्निकल रिव्यू होता है यहाँ पे मतलब पीयर रिव्यू होता है जैसे सत्ताइस अट्ठाइस कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए इन्होंने और पाकिस्तान ट्वेंटी सेवन एक्शन आइटम्स को ही एड्रेस कर पाया बाकी में वो एड्रेस नहीं कर पाया तो दैट इज वाई ग्रे लिस्ट कंटिन्यू होगा लैक ऑफ एक्शन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है देन इंडिविजुअल्स और नॉन है क्रैकिंग डाउन ऑन दिस फाइनेंसिंग नार्कोटिक्स स्मगलिंग माइनिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रीशियस स्टोन सो दैट इज वाई यहाँ पे अकाउंटेबल किया है पाकिस्तान का वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट दैट गुड अब ग्रे लिस्ट और हाई रिस्क जूरिस्डिक्शन कॉल फॉर एक्शन तो मतलब ग्रे लिस्ट है ग्रे लिस्ट में भी अगर कंट्री अपने वेज नहीं ठीक कर रहा है तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट में रख देंगे ब्लैक लिस्ट का मतलब अब उस पर एक्शन लेना है कॉल फॉर एक्शन कैटेगरी रखा है ब्लैक लिस्ट तो ये कलर कोडिंग होती है फिलहाल के लिए अभी वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा टू तक इंडिया इसका ऑब्जर्वर है सिंस 2006 मेंबर 2010 में इंडिया बन गया था 2006 में ऑब्जर्वर 2010 में मेंबर सो दिस इज एफ ए टी एफ थर्ड इज अबाउट गवर्नमेंट स्लैब्स स्टॉक लिमिट ऑन अनियन अनियन जो होता है ना हमारे यहाँ क्रॉप का सीजन होता है राबी क्रॉप होती है खरीफ क्रॉप होती है अनियन राबी क्रॉप भी है खरीफ भी है कर्नाटका का अनियन आता है महाराष्ट्र का अनियन आता है बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाइन्टीन रेंज बहुत ज़्यादा हुआ तो एक जो पूरा सीजन का लॉट है अनियन का वो काफ़ी वेस्ट हो गया है स्टोरेज भी उसका डंप करना पड़ा वेस्ट हो गया है वो तो दैट इज़ वाई सप्लाई साइड बॉटल नेक भी है ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन ऑल दीज फैक्टर्स जब क्लब टूगेदर होते हैं तो स्कॉर्सिटी ऑफ अनियन हो गया स्कॉसिटी ऑफ अनियन हो गया तो अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड और सप्लाई इसके फॉर्मुलेस भी पढ़े थे हमने कैसे ग्राफ मूव करता है और ये कर्व्स कैसे बनते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई रिटेल प्राइस ऑफ अनियन हो गया है हंड्रेड के जी क्रॉस हो गया और अलार्मिक सरकारें भी गिर चुकी है इन द पास्ट तो गवर्नमेंट ने तुरंत डिसीजन लिया स्टॉक लिमिट्स करो होलसेलर एंड रिटेलर्स को स्टॉक लिमिट मतलब अब होल्डिंग जमा खोरी नहीं कर पाओगे इससे ज्यादा मार्केट में रिलीज करो प्रोडक्ट तो होलसेलर का ट्वेंटी फाइव मैट्रिक टन है रिटेलर का दो मैट्रिक टन है अनटिल द ईयर एंड ये होल्डिंग प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स दिए ट्रेडर्स ने कहा कि ये जो स्टॉक होल्डिंग की आप बात कर रहे हो इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा ट्रेडर्स ने कहा कि जो अनियन है ना, वो होलसेलर और रिटेलर्स के पास नहीं है अनियन के जो स्टॉक्स हैं वो फार्मर के पास हैं फार्मर इसको आगे पास नहीं कर रहा है उज नो हरी टू लिक्विडेट स्टॉक सो दैट इज बाय स्टॉक अगर हम होर्डिंग का ऐसे नियम भी लाएंगे उसका इमीडिएट कोई बेनिफिट नहीं होगा ऐसा ऑब्जर्वेशन है इस पूरे बैकड्रॉप में दिस एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट का अमेंडमेंट 2020 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एसेंशियल्स कॉमोडिटी एक्ट 1955 ये बहुत टाइम तक रहा इसमें होर्डिंग बहुत सारी चीज़ों पे स्टॉप करने का प्रोविजन होता था बट बिकॉज समय चेंज हो गया है पहले हमारा फूड शॉर्टेज होता था अब फूड सरप्लस भी होने लग गया है तो दैट इज़ वाई ई सी ए को लीनियन किया गया अमेंडमेंट किया गया बहुत सारी चीज़ें जो ई सी ए में थी जिनकी स्टॉक पाइलिंग नहीं हो सकती थी और जिसके कारण हम वेयर हाउसेज नहीं बना पा रहे थे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था उस सबको सरकार ने लिफ्ट कर दिया सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिफॉर्म बट इसमें फिर भी कुछ प्रोविजन हैं जिसको यूज करके सरकार ने अभी फॉर अन दिस वापस स्टॉक लिमिट पुट कर दिया है प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आने वाले मीनस में बहुत इंपॉर्टेंट है फार्म बिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हंड्रेड परसेंट आएगा यहाँ से प्रिपेयर अट नोट ऑन एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट इट्स रिसेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी ओके सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टूडे इफ यू मूव फर्दर दिस इज शार्प राइज इन पंजाब फार्म फाइर्स ड्यूरिंग खरीफ सीजन खरीफ सीजन होते हैं राबी सीजन होते हैं क्रॉप्स चेंज हो सकती है सीजन कांस्टेंट होता है सो so ये खरीफ सीजन है दिस पंजाब में स्टब्बल बर्निंग का है यहाँ पे स्टबल बर्निंग क्या होती है दिस इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग कॉन्टिन्यूसली हम इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टबल बर्निंग राबी सीजन वीट हार्वेस्टिंग स्टब्बल बर्निंग फार्मर्स का कंपल्शन होता है उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो उनको इकोनॉमिकली फिजिबल भी यही लगता है नॉलेज भी नहीं होता है मैनी टाइम्स तो दे गो फॉर दिस स्टबल बर्निंग और उससे पॉल्यूशन होता है दिल्ली का एयर खराब हो जाता है पूसा डिकम्पोजर बहुत न्यूज़ में है ये चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने अभी इसको दिखाया भी था ट्वीट भी किया था दिस इज पूा डिकम्पोजर कैप्सूल्स होंगे तो आइडिया ये है कि जो स्टबल है उसी को डिजोल्व कर दो तो स्टबल डिजोल्व हो जाएंगे तो उसमें आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दिस वॉज द सॉल्यूशन बायो डिकम्पोजर है लुक एट नोट्स ये कटिंग डाउन द टाइम 25 लीटर का मिक्स होगा 25 डेज में वो स्टबल डिसॉल्व हो जाना चाहिए क्रॉप साइकिल पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये देखने वाली बात है और किस स्केल में ये अडॉप्टेशन हो रहा है दिस बायो डिकम्पोजर का स्टबल बर्निंग बट मीनवाइल दिस थ्रेट ऑफ दिस फायर ये कंटिन्यूअसली बना हुआ है सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू दिस इज द सेकंड पेज सी दिल्ली एयर डिटेरियेट हो गया है वेरी पुअर कैटेगरी अर्लियर जब हम वीडियोस बनाते थे ना तीन चार महीने पहले तो आई यूज़ टू राइट द वोकेबुलरी वर्ड्स इन द बिगिनिंग इट्स कि ये ये वोकेबुलरी वर्ड्स आगे न्यूज़पेपर में हम पढ़ने वाले हैं लेट मी नो क्या उसको फिर से रिज्यूम करें देर इज देर कुड बी अनादर वे कि ये जो वर्ड जहाँ पे आ रहा है उसके साइड में मैं उसका मीनिंग भी यहाँ पे लिख दूँ तो इससे हमारा फ्लो नहीं टूटेगा और वोकेब की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सो वी कैन ऑल्सो डू दिस थिंग सो दिस इज अबाउट सेकेंड पेज दैन ये थर्ड पेज है रिप्लाई टू प्ली ऑन क्वाशिंग ऑफ नोटिस फॉर यू पी एस सी एग्ज़ामिनेशन स्पेशली जो एबल्ड होते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए सर्टन सीट्स रिजर्व होती है बट इस बार के जो प्रॉलिम्स हुआ था रिजर्वेशन जो करना था इन्हें कुछ सीट्स रिजर्व करनी थी वो फिक्सड नहीं है फ्लोटिंग है इस बात पर नोटिस गया हाईकोर्ट ने यू पी एस सी को बोला था हम कैंसिल कर देंगे स्टॉप कर देंगे प्रलिम्स अगर आप इसमें रिप्लाई नहीं दोगे ये न्यूज़ अभी फिर फर्दर डेवलपमेंट में नॉट इनफ सीट्स रिजर्व फॉर पीपल विथ डिसबिलिटी हाईकोर्ट ने ये बात कही है देन अब हम बात करते हैं नेपाल मैप का ये नेपाल का मैप है सी न्यूज़ यह है कि जो नेपाल प्राइम मिनिस्टर है अभी दशहरा फेस्टिवल में जो फेस्टिविटीज एक्सचेंज होता है उसमें जो मैप ग्रीटिंग्स भेजा उसमें जो मैप है वो पुराना मैप यूज़ किया पुराना मतलब अभी नेपाल ने ट्राई किया था यूनि लेटरली अपना मैप चेंज करने का नेपाल ने पार्लियामेंट ने इस मैप को पास भी कर दिया था मैप में चेंज किया हुआ ये जो पोर्शन है ना नेपाल में ये नॉर्थ में इधर पिथौरागढ़ एंड दिस पोर्शन लिंपियाधुरा लिपुलेख कालापानी नेपाल इसको अपने अंदर बताता है नेपाल्स वर्जन में तो पहले ये ओरिजिनल वर्जन था बाद में नेपाल ने क्या किया ये तीनों एरिया अपने अंदर इंक्लूड कर दिया सी ये ओरिजिनल वर्जन था और ये नया वर्जन आ गया लिंपियाधुरा लिपुलेख और कालापानी ये जो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ सागोली भी हुई थी ये कॉन्टीन्यूअसली हमने बात किया है एवोलोकेट नोट ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे में ये इशू कैसे आया जब हमने मानसरोवर यात्रा में ये जो रोड है इसका डेवलपमेंट किया नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाया देन चाइना का भी यहाँ पे एंगल था आर्टिफिशियल और अनएक्सेप्टेबल था ये मैप जो नेपाल ने प्रेजेंट किया इस बात पे बहुत ज्यादा टेंशन भी हुए एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुए इंडिया एंड नेपाल में ट्रेडिशनली बिकॉज हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं नेपाल से सो दैट इज वाई अभी सॉफन हो रहा है थोड़ा स्टांस तो दिस इज़ द बॉर्डर ट्रबल लिम्पियाधूरा लिपुलेक और कालापानी ये तीन एरिया का नाम याद रखना है और ट्रीटी ऑफ सागोले भी याद रखना है ये जो काली रिवर है ना तो एक्चुअली ये भी जो करनी है वो सब ब्रिटिशर्स की है जितना भी ट्रबल है साउथ एशिया में एंट्रोपी है उसका सारा करा धारा इन ब्रिटिशर्स का है इन्होंने क्या किया यहाँ पे क्लियरली डी मार्केट नहीं किया इस चीज़ को काली रिवर में अब जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनली अभी तक होता गया था ये एरिया बिलोंग्स टू इंडिया नीचे से हम स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स दिस नेपाल का बट नेपाल अब हाई पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ से हम रिवर का ओरिजिन है रिवर जो ओरिजिन होती है तो शुरुआत में समझ में नहीं आता कौन सी रिवर है बहुत सारी दिस ट्रिब्यूटरीज मिलके फिर एक रिवर ओरिजिन होती है जब हिमालय से ऐसे आती है वर्जन डिफरेंट होते हैं काली रिवर के और उसके कारण ये डिफरेंसेज आए बट ट्रेडिशनली दिस वॉज नॉट अ डिफरेंस ये क्लियर कट इंडिया ने हमेशा से यहाँ पे अपना प्रेजेंस रखा है ऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ मैप में भी यही था बट नेपाल ने ऐसा चेंज किया अब वापस नेपाल ने जो यहाँ पे मैप भेजा है दैट मैप में यूजिंग ओल्ड मैप भेजा है ओल्ड मैप विदाउट विदाउट इंडियन टेरिटरी सो अगेन दिस इज अ मूव जो अभी रिलेशन बता रहे हैं सेंसिबल थिंग देन दिस इज रिप्लाई टू यस यूपीएससी और ये है वर्क ऑन न्यू पार्लियामेंट टू स्टार्ट इन दिसंबर सी ये है सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा का रिवैंप होने की बात चल रही है अभी वर्क स्टार्ट हो रहा है 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा पार्लियामेंट की बिल्डिंग बढ़ाने का नई बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है बिकॉज अभी जैसे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 2026 में ये नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत बढ़ने वाली है आठ करीब लोकसभा हो जाएगी राज्यसभा करीब चार हो जाएगी अभी हाल में कितनी सीट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में आंसर दिस क्वेश्चन तो इतने सारे कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करना डिफिकल्ट होगा दैट इज और फिर भी हो जाती है का आर्टिकल भी बताइए आप तो दैट इज वाई वी नीड अ बिगर बेटर बिल्डिंग और प्लस काफी पुरानी भी हो रही है ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग इन सेंट्रल विस्टा तो गवर्नमेंट इसको रिवैम करने का प्लान कर रही है देन दिस इज टेकिंग ऑन द सेंटर इसमें दो एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं आर्टिकल्स एक आईई का एक्सप्लेन था उसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में सेंड किया है, है और द हिंदू में भी एक एडिटोरियल आया था वहाँ पे भी पॉलिटिकल फेडरल एंगल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल दोनों को एक बार अच्छे से पढ़ना है इसको रिविजिट करें तो बात यह है सेंटर ने लॉ बनाया एग्रीकल्चर फार्म बिल्स में कॉन्करेंट लिस्ट के दिस एंट्री थर्टी थ्री बी का यूज करके स्टेट्स इसको अपोज कर रहे हैं जो नया एग्रीकल्चर लॉ है ना तो स्टेट अपने डोमेन पे है सेंटर भी अपने डोमेन पे है अगर हम ब्रॉडली देखें फार्म बिल में तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं ये दो प्रॉब्लम हैं पहला न्यू एग्रीकल्चर लॉ इपिटमाइज करता है डिफिकल्टी मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिबरलाइजिंग द फार्म सेक्टर और प्रोटेक्टिंग द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फ्रॉम द एगनीज ऑफ दिस ट्रांजिशन बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स ला रहे हैं और इस ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स में अगर गुड कॉज भी है तो जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर होता है ना वो डिसएडवांटेज में हो जाता है वो सफर करता है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी बट एट वॉट कॉस्ट मार्जिनल फार्मर्स है वो एगन नहीं होगा ट्रांजिशन का फ्रॉम दिस लिबरलाइजिंग फार्म सेक्टर तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर वन प्रॉब्लम नंबर टू होती है जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है तो उसको म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिस्कशन से डिबेट से लेना चाहिए ये फ्लैग करता है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉट है वाइड एंड इनफॉर्म डिबेट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग फार रीचिंग चेंजेस दीज आर दू प्रोमेंट प्रॉब्लम दिस फार्म इज द फर्स्ट ट्रांजिशन और इसमें स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को क्या इम्पैक्ट होगा सेफ गार्ड है या नहीं है सेकेंड वाई देर इज नॉट इनफॉर्म डिबेट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अब एग्रीकल्चर लेजिस्टिव डोम स्टेट में आता है एज दिस्ट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर सेंटर ने इनैक्ट किया है फार्म सेक्टर बिल बाय एंट्री थर्टी थ्री बी इन कॉन्ट लिस्ट में एंट्री थर्टी थ्री बी इन द कॉन्ेंट लिस्ट कॉन्ट लिस्ट है मतलब सेंटर भी लॉ बना सकता है स्टेट भी लॉ बना सकता है सेंटर का लॉ प्रवेल करेगा तो दैट इज वाई सेंटर ने यहाँ पे लॉ बना दिए फार्म बिल के ऑल दो ये सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का तो so अब इसमें सेंटर ने ये बोला एंट्री थर्टी थ्री बी जो है ये जो फार्म बिल है दैट इज ओके स्टेट है बट ये कंसर्न करता है ट्रेड कॉमर्स को प्रोडक्शन को सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन को फूड स्टफ्स का तो दिस इज द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट एपीएमसी में सेल करना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना तो so इन सब के अंदर सेंटर ने अपना दिस नए फार्म बिल्स ला दिए स्टेट को लग रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर स्टेट के पास दो रास्ता है स्टेट अपना बिल लाए जिसे पंजाब लेके आया उसके लिए प्रेसिडेंशियल अप्रूवल जरूरी होगा प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं कॉम के बिहाफ में तो ये मिलना मुश्किल है सेकेंड रास्ता है कोर्ट में ये अब दोनों ही रास्ते होंगे तो इसमें जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो हो रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है सेंटर और स्टेट में विच इज़ नॉट राइट और इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो फिर स्ट्रगल करते हैं तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट दिस टेकिंग ऑन सेंटर्स देन दिस इज द नेक्स्ट वन हिटिंग वेयर इट हर्ट्स यूएस में इलेक्शंस होते हैं ये एक नया ट्रेंड हो गया है जिस भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं ना वो बहुत नेशनलिस्टिक हो जाती है और दिस इंटरनेशनल रिलेशन को वो थोड़ा सेक्रीफाइस कर देते हैं सेम इज़ वॉट यूएस इज डूइंग एच वन बी वीजा के रिलेटेड जो इशूज हैं यस्टरडे हमने बात किया एच वन बी वीजा इसने यूएसए को बहुत हेल्प किया है बट यूएसए में पॉलिसी मेकर्स को अब ऐसा लग रहा है कि एच वन बी वीजा एंड सप्लाइड दिस वीजा से फॉरेन वर्कर्स आते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क होता है एंड डोमेस्टिक वर्क फोर्स हिट होती है अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज सो दैट इज वाई दे वॉन्ट टू डू दिस प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इसकी कॉस्ट होगी देन दिस इज अबाउट इंडिया यू एन जर्नी फ्रॉम आउटलायर टू द हाई टेबल हाई टेबल मतलब अभी एक जनवरी 2021 से दो साल का टर्म स्टार्ट होगा हमारा नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल पर नॉन परमानेंट इसमें पाँच परमानेंट होते हैं और दस नॉन परमानेंट होते हैं दो दो साल के लिए इलेक्ट होते हैं हम अभी दो साल के लिए इलेक्ट हुए हैं इंडिया की जो यू की जर्नी है ना ये एक मिक्सड बैग है शुरुआत में अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक थे पॉजिटिव थे देन फिर रिजल्ट्स उसके आएंगे तो ऐसा कुछ होते होते चाइना का वॉर होगा ये पूरा एक जर्नी चलेगा हमारा फर्स्ट फेज़ इसका एंड होगा 1989 में ये जो टाइम होगा ना वो कोल्ड वॉर का भी होगा तो यूएन में ऑल दो यूनाइटेड नेशंस बट यहाँ पे ब्लॉक्स बनेंगे अमेरिका यूएसएसआर तो कोल्ड वॉर के सय में ये रहेगा और इंडिया जो रहेगा वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए स्टेड फास्ट रहेगा इंडिपेंडेंट तो आइडेंटिटी बनाने का ट्राई करेगा फिर एक जो इसमें जो यू रहेगा यू ट्रेडिशनल चीज़ों पर बात करेगा एंटी कोलोनियलिज्म एंटी रेसिज्म न्यूक्लियर डिसामेंट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऐसे ब्रॉडली कंसेंसस पे यूनाइटेड नेशन विल वर्क फॉरवर्ड बट हिट और मिस कंटिन्यू बना रहेगा 1990 का जो फेज़ आएगा ये इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा वर्ल्ड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी इराक में मिस एडवेंचर होगा यूएसए का सो मेनी थिंग्स देन फिर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा इंडिया ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जब आएगी तो फिर विंड्स ऑफ चेंज आएंगे अब इंडिया का राइज होना चालू होगा बट चाइना का भी राइज होगा चाइना बहुत ज़्यादा मोनोपोली करेगा वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में भी फास्ट फॉरवर्ड टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हम दो साल के टर्म्स के लिए अभी यहाँ पर इलेक्ट हो रहे हैं डिप्लोमेसी में इंडिया ने काफ़ी आगे आगे प्रोग्रेस कर लिया है विच इज़ अ गुड थिंग इंडिया कंटिन्यूसली डिमांड कर रहा है जो सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ यू एन हुए हैं उसमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें ये जो यूनाइटेड नेशंस है ना ये रियलिटी को अब नहीं बताता है 1945 और 2020 में बहुत डिफरेंस आ गया है सो दिस देर हैजू बी सर्टेन रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स एट यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल ऑर्डर में जो चैलेंजेस है ना वो नेशनलिस्टिक चैलेंजेस नहीं है फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज ये सबको इम्पैक्ट करेगा कोविड नाइन्टीन जैसी डिसीजेज है सबको इम्पैक्ट कर रही है सी लेवल राइज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है टेररिज्म है देर आर सो मेनी थिंग्स तो ये नेशनल बाउंड्रीज को नहीं जानते हैं दैट इज वाई वी नीड टू पुट दिस यूनाइटेड फ्रंट सो दिस इज यू एन जर्नी फ्रॉम आउटलायर टू द हाई टेबल बेसिकली इसमें पूरा ऐसा इन्होंने कमेंट्री दिया है इंडिया का कैसे पोजिशन ग्रोथ हुआ है यू एन जर्नी फ्रॉम आउटलायर टू हाई टेबल ये जो आर्टिकल है ये बताता है मैट्रिक्स ऑफ वर्ल्ड कंपैरिजन हम हर जगह कंपैरिजन करते हैं कंपेरिजन करने के दो तरीके होते हैं या तो आप नीचे देखो और खुश हो जाओ कि हम कितने अच्छे हैं या फिर ऊपर देखो और फिर सोचो हमें ऐसा बनना है इंडिया शुड डू दिस यहाँ देख देख के खुश होना नहीं है मैट्रिक्स ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडिया में अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक वेलबीइंग का पॉजिटिव इमोशन सप्लीमेंटल लाइफ सरकमस्टांसिस सोशल एनवायरमेंट क्या है इनइक्वालिटी है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग थिंग लो इनकम डिस्क्रिमिनेशन जी डी पी पर कैपिटा अभी बांग्लादेश ने ओवरटेक किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रीडम एबसेंस ऑफ करप्शन तो देर आर सो मैनी थिंग्स देर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें कि कंसर्नस हैं सिविल लिबर्टीज हमें चाहिए रिलीजियस फ्रीडम इज ऑल्सो वेरी वेरी असेंशियल बिकॉज इन दी एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्मली बिलीव करता है दिस राइट टू इक्वलिटी में इक्वेलिटी सो मैट्रिक्स जो होते हैं ना वो हमें बेटर करने की ज़रूरत है

हैदराबाद के वेस्ट में गोदावरी बेसिन आ जाता है और ईस्ट में आता है कृष्णा बेसिन विश्वेश्वरैया साहब ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था फ्लड जैसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उस्मान सागर बनेगा हिमायत सागर बनेगा बट अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा बहुत सारे जो स्मॉल पॉन्ड्स हैं लेक्स हैं वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे कॉलोनीज बन जाएंगी बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो नेचुरल जो वाटर ड्रेन का तरीका है पैटर्न है वो ब्लॉक होगा और फ्लडिंग होने की ये जो बिल्ट हुआ है टॉप अग्रैग्रियन इम्प्रिंट पे फ्लडिंग होगी कैचमेंट एरिया पे बना हुआ है तो टैंक सिस्टम प्रिवेलेंट है 2020 रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ और अब कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है फ्लड्स जैसा पूरा बिल्डिंग अर्बनाइजेशन दिस इज व्हाट व्हाट इज हैपनिंग इन हैदराबाद देन दिस इज पार्ट्स ऑफ बैंगलुरु भी फ्लड हो रहा है अर्बन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बन फ्लडिंग देन पॉजिटिविटी रेट थर्टीन है दिस इज पेज नंबर नाइन सी वी सी अमेंड एस ओ पी फॉर प्रोक्योरमेंट सी डब्ल्यू एच ओ बोल रहा है कि हमने इंडिया को पहले ही अलर्ट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट कर रहा है कि क्वाड इसने पहले ज्वाइन नहीं किया दैट वॉज अ मिस्टेक बट अब फॉर्मली दिस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा इंडिया चेयर करेगा अभी आयालो रिफॉरम को आफ्टर थर्टी फाइव ईयर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देन इट्स अ अटू पॉइंट शोकेज एंड दिस इज अबाउट China, she sends warning to this invader. See, China, China भी बहुत ज्यादा strong nationalistic अपसर्ज है यहाँ पे this is China. China UK issued Hong Kong passport को recognize नहीं करेगा ये बात वो बोल रहे हैं Hong Kong पहले UK के साथ था फिर उसको handover ओवर किया था चाइना में वन कंट्री टू सिस्टम चलता है हांगकॉन्ग में डेमोक्रेसी भी है चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है चाइना हांगकॉन्ग की डेमोक्रेसी को कल करना चाहता है सप्रेस करता है मॉनिटरी पॉलिसी वेरी ऑफ इन्फ्लेशन मिनट्स में ये बात दिखा एम पी सी वेरी ऑफ इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन मतलब दिस प्राइस में बढ़ोतरी और प्लस माइनस टू मैंडेट है और सात परसेंट टच कर रहा है इन्फ्लेशन और एट द सेम टाइम जो पॉलिसी है वो अकोमोडेटिव रखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रेशर है तो अभी जैसे हम एनसीआरटी माइक्रो पढ़ रहे हैं माइक्रो पढ़ेंगे ना तो माइक्रो मतलब गवर्नमेंट लेवल माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में ग्रोथ इन्फ्लेशन लिक्विडिटी कंजम्पशन ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई थी बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया आर करता है आर मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को ये डिफाइन करता है ये दो चीज़ हो सकती है एक्सपांशनरी या कॉन्ट्रैक्शन डोविश हो सकती है या फिर हॉकिश हो सकती है अकोमोडेटिव है या फिर टाइट है एम में छः मेंबर होते हैं तीन आर बी ऑफिशियल और तीन गवर्नमेंट नॉमिनी आर चीफ एक्स ऑफिशियर होते हैं डिसीजन वोटिंग के बेस में होता है टारगेट इन्फ्लेशन फोर प्लस माइनस टू है इसका काम है क्वांटिटी ऑफ मनी कितना रखना है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसे कैसे प्रोवाइड करें लिक्विडिटी कैसे मेनटेन करें दिस इज़ वर्क ऑफ दिस आर बी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करेगा बैंक रेट पॉलिसी करेगा रिजर्व सिस्टम मोरल परजुएशन भी आर का काम होता है मोरल परजुएशन क्रेडिट कंट्रोल एम जो है ना ये फिक्स करती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया चार बार मिलती है साल में एमओ एम इसके पब्लिश होते हैं तो अभी दिस मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश हुए रिपोर्ट पहले आ गई थी मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब मीटिंग में क्या बात हुआ किसने क्या ओपिनियन दिया एटसेट्रा तो पॉलिसी नीड्स टू स्टे अकोमोडेटिव अभी भी ये डॉबिशी है अमिड कोविड थ्रेड बिकॉज इकोनॉमिक रिवाइवल इज नेसेसरी आर पैनल ने ये यहाँ डिस्कशन किया फॉरेक्स रिजर्व हमारा डॉलर फाइव 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 पॉइंट वन टू बिलियन हो गया है एक्सेलेंट इसमें एस डी आर होता है गोल्ड रिवर्स ट्रांसपोजिशन फॉरन बैंक नोट्स ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी इट्स अ गुड थिंग बट अगेन चाइना का ह्यूज है चाइना का फॉरेक्स रिजर्व बताइए इंडिया का डॉलर फाइव 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 पॉइंट वन टू बिलियन डॉलर है चाइना का फॉरेक्स रिजर्व कितना है नो दिस थिंग अब जो नेक्स्ट है देट इज सेंटर ने बोरो किया इतना पैसा फॉर जी एस टी कंपनसेशन जीएसटी कम्पनसेशन पहले डिबेट हो रहा था कि स्टेट बोरो करेंटर ने कहा कि नहीं हम बोरो करते हैं फर्स्ट प्रांश टू सिक्सटीन स्टेट टू यूटीज जी एस टी कम्पनसेशन तो ये डेवलपमेंट है अभी ग्रीन शूट्स फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन अभी दिख नहीं रहे हैं टेक महिंद्रा नेस्ले पैंडमिक टू डिले ईवी एक्सपेंशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड दिस इज स्पोर्ट्स अब ये आता है इंडियन एक्सप्रेस सी एफ ए टी एफ पाकिस्तान नीड टू मूव नाउ भारत बायोटेक फिर से बोल रहा है आईसीएमआर वैक्सीन जुलाई 2021 लॉन्च। इनको सीरियसली इसलिए नहीं लेते पहले 15 अगस्त बोला था इन्होंने देन दिस इज अबाउट सेकेंड पेज ये स्टबल बर्निंग है काम विंड है रीजन हमने देखे थे ना पांच रीजन जिसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा होता है विंड, विंड स्पीड अगर स्लो होती है ना तो वो पॉल्यूशन को डिस्पर्स नहीं कर पाती वेरी पुअर सिचुएशन है अभी दैन दिस इज पेज नंबर सिक्स

इन्वेस्टिगेशन को कर सकती है विदाउट टेकिंग सेपरेट परमिशन फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र ने ये जनरल कंसेंट रिमूव कर दिया है सीबीआई से तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई ऑपरेट नहीं कर पाएगी बट वो केस बाय केस पे उसको परमिशन देनी पड़ेगी पहले स्टेट गवर्नमेंट से ट्रस्ट मिस ट्रस्ट सेंटर और स्टेट में दिस इज वॉशिंगटन एंड राइडर्स टू द सी इंडो पैसिफिक कॉन्ड ऑफ रीजनल डेमोक्रेसी लैंड इज देअर बट हमें ओशन पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है दिस इज़ यूज एरिया तभी हम आगे आइलैंड भी पढ़ते हैं इंडियन ओशन रीजन ये दिस राइटर इज रिटायर्ड चीफ ऑफ नेबल स्टाफ अरुण प्रकाश साहब ने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाड मालाबार इन ओशन ओशियन में हमें क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम स्ट्रेंथ डेवलप करें कैपेसिटी डेवलप करें और जो यू एस से जो भी टाइज भी हो रहे हैं जैसे बैका हुआ कॉमकासा हुआ दीज आर गोइंग टू हेल्प टू दिस नेबी एज वेल द टू फ्रंट चैलेंज है वेस्टर्न बॉर्डर्स पाकिस्तान हिट एस पॉट ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस पाकिस्तान अगर डिस्टर्ब होता है ना तो वो डिस्टर्बेंस फिर हमारे ऊपर आने लग जाता है दैट इज बेनिफिट की यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे लॉकडाउन डोंट वर्क लॉकडाउंस वर्क नहीं करते हैं फ्री द फार्मर ए पी एम सी मंडीज रिफॉर्म्स आर जी नेसेसरी बट वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क ये एक फ्लैश फ्लड का आईएमडी ने नया लॉन्च किया है दिस इज इंपॉर्टेंट फ्लैश फ्लड फ्लैश फ्लड मतलब फ्लैश मतलब क्विकली फ्लड आ गया टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रिपरेशन का तो आईएमडी ने फ्राइडे में लॉन्च किया साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम एफ एफ जी एस साउथ एशियन डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी इवैक्यूएशन प्लान अहेड ऑफ फ्लडिंग इसमें कौन कौन है इंडिया भूटान श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करेंगे मेट्रोलॉजिकल डेटा ताकि फोरकास्ट हो सके प्रिडिक्ट कर सके कि फ्लड आने वाला है और प्रिपरेशन हो जाए एन में और सेंट्रल वाटर कमीशन भी इसको पार्टनर करेगी फ्लैश फ्लड मॉनिटरिंग जब भी डिजास्टर्स आते हैं प्रिपरेशन मैटर करती है प्रिपरेशन के लिए आपको एक टाइम मिलना चाहिए फोरकास्ट इज दैट इज़ वाई सो इम्पॉर्टेंट ये रेनफॉल और पोटेंशियल फ्लडिंग जैसा फोरकास्ट है ये छः घंटे पहले ही बता देंगे एट्टी परसेंट जो डिजास्टर होती है ना इन सब कंट्रीज़ में वो होती है बिकॉज ऑफ दिस एरेटिक वेदर और उसमें फ्लैश फ्लड काफ़ी हेल्प करेगा ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेल हिट हो रहा है क्यों हिट हो रहा है बिकॉज ये महंगे होते हैं लो अफोर्डेबिलिटी है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बैक करना पड़ेगा सब्सिडी देना पड़ेगा ये जो व्हीकल्स होते हैं इसमें बैटरी का भी प्रॉब्लम आता है देन रेंज का प्रॉब्लम आता है कॉस्ट इज आल्सो वन थिंग एंड एडोपशन एडॉप्शन रेट इज आल्सो लो हाई कॉस्ट है और प्रायोरिटी नहीं है टू हिट सेल्स ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देन इसके बाद दिस इज द एक्सप्लेन सेक्शन साइंटिस्ट ने ग्रो किया मिनी लंग्स इन लैब इन्फेक्ट डेम विद कोरोना वायरस एंड वॉच बैटल इन रियल टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है ये है अनियन की प्राइसेस अनियन की प्राइस क्यों राइज हुआ रीजन यही है सप्लाई साइट जो था वो क्रैश हो रहा है बिकॉज प्रोडक्शन फेल हो गया लॉस ऑफ क्रॉप हुआ खरीफ राबी का कर्नाटक का एंड दिस महाराष्ट्र सेक्शन में भी तो सप्लाई बंद हो गई है और दैट इज वाई ऑफ सप्लाई साइड में कोविड लॉकडाउन के कारण चैलेंजेस भी हैं सो दैट इज वाई ये शॉर्टेज हुआ और ये प्राइस अप हो गया सप्लाई एंड डिमांड गवर्नमेंट ई के अंदर अब स्टॉक जो है उसमें लिमिट लगा दिया है एस्ट्रा जेनेका वैक्सीन है इस इस दिस इज इज दिस अ ब्लो अगेन दैट्स अ क्वेश्चन ये भी मैग्स वैक्स सब डिसअपॉइंटिंग है कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है ट्रम्प एंड बाइडन एंड दिस इज अबाउट न्यूयॉर्क एंड गवर्नमेंट ने कि स्टार्ट किया है मार्केट बोरोविंग इतना पैसा स्टेट्स को देगी अभी गवर्नमेंट जी एस टी कम्पनसेशन ईयर्स लग जाएंगे टू रिगेन लॉस्ट जी डी पी रेम डेवर एंड दिस इज स्पोर्ट्स अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन के आईलैंड की सी अभी जैसे नेवल चीफ का भी जो आर्टिकल है इंडियन ओशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी चाइना का पूरा जो ऑयल सप्लाई है वो यहाँ से हो रहा तो है तो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चाइना और यहाँ पे दिस दिस इज़ अवर बैकयार्ड ये हमारा बैकयार्ड है यहाँ पे हम बहुत डोमिनेट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे ये यह जो आइलैंड्स है ना इन सब आइलैंड्स का भी स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंस है जैसे चाइना की एक पॉलिसी थी दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक ग्रुप ऑफ जो इंडिया के ओशन में अलग अलग जगह ये अपने बेस बना रहा था जैसे श्रीलंका में म्यांमार में पाकिस्तान में बेस बनाया तो स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट बेस होते हैं स्पेशली ऐसे आइलैंड नेशंस में वो बहुत सिग्निफिकेंस होता है इंडिया के अभी अच्छे टाइज हैं इन सारे नेशन से सी यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये है मेडागास्कर ये मेडागास्कर है दिस इज मॉरिशस मॉरिशस से एफ बहुत आती है मॉरिशस की रैंकिंग बताइए एफ में एफ बहुत आती है मॉरिशस से रूट होती है री रूट होके इंडिया आती है दिस इज अगालेगा आईलैंड ये डिएगो गाशिया है ये मालदीव्स है ये सीशल्स है और ये अजम्शन आइलैंड है ये ऑल आइलैंड आर इम्पोर्टेंट सीस मालदीव अजम्पन डीगो गस्कर मालदीव डिओगा मॉरिशस सीशल्स मेडागास्कर मेक्स सेकेंड आइलैंड चेन कंट्रोलिंग इंडियन ओशन लेन्स टू द वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का वेर इज दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का दीज आइलैंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दीज आर सम इंडियन ओशन आइलैंड्स दिस इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आई एम डी फ्लैश फ्लड फॉरेक्स रिजर्व हो गया है इतना चाइना का फॉरैक्स रिजर्व कितना है एल एम पी सी मॉनिटरिंग पॉलिसी कमिटी हैदराबाद के फ्लड्स यूनाइटेड नेशन की जर्नी टेकिंग ऑन सेंटर्स टू थाउजेंड ट्वेल्व न्यू पार्लियामेंट नेपाल पुराना मैप बायोडिकम्पोजर प्रिपेयर दिस नोट ऑन ई सी ए और उसके अमेंडमेंट नाइन फिफ्टी फाइव और अमेंडमेंट इन यूटिलिटी क्या है इसकी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट So this is 24th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.